बुतों से भर गई है बस्तियां, हर तरफ पत्थरों में ढल गए किरदार हैं। किधर देखूं, कहां सिर झुकाऊं, एक सिर है और ये बुत हजार हैं। वो जमाना और था जब सियासत जिंदा आदमी की इबादत मानी जाती थी। वक्त बदला, सोच बदली और राजनीति का अंदाज बदला। अब तो सियासतदानों के आदर्श भी पत्थर हो गए हैं और उनके आराध्य भी जैसे पत्थरों में ही ढल गए हैं। यह बीता सप्ताह गवाह है जब ग्रेटर नोएडा के मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के समक्ष लगे शिलापट से गुर्जर शब्द हटते ही बवाल बच गया। गुर्जर समाज को यू भी भाजपा यूपी में अपना परंपरागत वोट बैंक मानती रही है। अभी हालिया दिनों में इस बवाल से थोड़े दिनों पहले तक भाजपा का अंदरूनी सर्वे बता रहा था कि 69% गुर्जर वोटर भाजपा के समर्थन में हैं। गुर्जर समाज को उम्मीद थी कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी यहां पधार रहे हैं तो वे इस कॉलेज के लिए किसी बड़ी सहायता राशि का ऐलान भी करेंगे। योगी आए जरूर पर ऐलान स्थगित रहा। 1994 में जब मुलायम सिंह यादव सीएम रहते यहां आए थे तो उन्होंने इस कॉलेज को 20 लाख रुपए दिए थे। कांग्रेस नेता राजेश पायलट 95-96 में आए तो उन्होंने 11 लाख रुपयों की धनराशि इस कॉलेज को दी। जब यूपी में किसान आंदोलन का असर दिखने लगा तो योगी सरकार ने भी सियासी चतुराई दिखाते हुए बूतों की राजनीति को हवा देनी शुरू कर दी। योगी सरकार अलीगढ़ जिले के लोधा में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रही है जिसका शिलान्यास पीएम मोदी के कर कमलों से हुआ। महेंद्र प्रताप को जाट राजा बताकर, जबकि अलीगढ़ से महज चंद किलोमीटर के फासले पर मुइसान के किले में लगी राजा के मूर्ति के आसपास मुद्दतों से कोई सफाई भी नहीं हुई है। सनद रहे कि वही राजा महेंद्र प्रताप हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अपनी जमीन दान में दी थी और अपना सारा नकदी भी दिया था, पर कभी खुद को जाट नहीं कहा, अपने को खालिस हिंदुस्तानी बताते रहे। शायद इसलिए इन्होंने अपना नाम भी बदलकर पीटर पीर प्रताप रख लिया। वे जहां भी जाते थे उनके साथ उनका एक मुस्लिम और एक दलित साथी हमेशा साथ चलता था। 1957 के चुनाव में ये निर्दलीय चुनाव लड़कर भी अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त कर चुनाव जीते थे। आज सिर्फ उन्हें जाट नेता साबित करने की होड़ मची है। पिछले यूपी चुनाव में राजभर वोटों पर दाव लगाने के लिए भगवा पार्टी ने राजा सुहेलदेव को ढूंढा था। इन्हीं सुहेलदेव की मान्यता पहले पासी नेता के तौर पर थी। गोरखपुर के कुर्मी सेनथेवार को भी योगी ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय साबित कर दिया है। इस खेल में सपा कहां पीछे रहने वाली थी। कप्तान यादव की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव के हाथों हुआ, वहीं प्रदेश के नाराज ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम की मूर्ति लगाने का वायदा सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां कर रही है। यूपी के निषाद वोटों को गोलबंद करने की कोशिशों के तहत उन्नाव में निषादों के बड़े नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण सपा नेता के हाथों हुआ। मनोहर लाल 1993 में मुलायम सरकार में मत्स्य पालन मंत्री रह चुके हैं। भले ही निषाद वोटरों को लुभाने के लिए दस्यु सुंदरी फूलन देवी की मूर्ति लगाने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी हो, पर मुकेश सहनी की बिहार विकासशील पार्टी फूलन देवी की मूर्ति लगाने के लिए सतत प्रयासरत है। जिंदा कौमें पाषाण की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर क्या साबित करना चाहती है। जाति समुदाय की नुमाइंदगी को महिमा मंडित करने के प्रयासों में जुटी सियासी पार्टियों को राजा महेंद्र प्रताप से कोई सीख तो लेनी ही चाहिए। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।